बाल सा मोर बोले रे भोल बाजे रे हो गजरा सिरनी आरती हो गजरा सिरनी आरती हो गजरा भोल बाजे रे लोक नृत्यों की एक विविधता भरी बहुत समृद्ध परंपरा हमें विरासत में मिली। हर लोक नृत्य एवं संगीत का अपना आकर्षण है, अपनी मिट्टी की सुगंध है। लोक संगीत और नृत्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब इस परंपरा से जुड़ती है नई पीढ़ी। हमारे कहने का मतलब है कि जब इनकी प्रस्तुति करती है हमारी किशोर पीढ़ी। ये है बूटीपुआ नृत्य, जो उड़ीसा राज्य का एक बहुत ही विशिष्ट नृत्य है। एक समय था जब अधिकांश मंदिरों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवदासियों द्वारा नृत्य किए जाते थे, जो देवी देवताओं की सेवा में पूर्णतः समर्पित होती थी। समय के साथ देवदासी नृत्य प्रथा समाप्त हो गई। उसके स्थान पर एक नई नृत्य शैली ने उस परंपरा को जारी रखते हुए अपना विकास किया, जिसे आज गोटीपुआ कहा जाता है। ये नृत्य ईश्वर में समर्पण की पराकाष्ठा हमारे सामने रखता है। धीरे धीरे इस नृत्य ने मंदिर प्रांगणों से बाहर निकलकर गांवों, कस्बों और नगरों की सीमा को लांघते हुए विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर ली। ओ पीसी करू बाड़ा जो
छह से पंद्रह वर्ष के बालक ही महिलाओं के वस्त्र पहनकर इस नृत्य को करते हैं। इसे सीखने में लगभग छह वर्ष का समय लगता है। छोटी आयु से ही बालक गुरुकुल में इसका प्रशिक्षण लेता है। इस नृत्य में मन मस्तिष्क और शरीर की एकाग्रता और समरसता का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। इस नृत्य में योग, ध्यान और विभिन्न मुद्राओं के साथ अभिनय की बारीक भाव भंगिमाओं का समावेश रहता है।
इस नृत्य में दृश्य संयोजन, समूह रचना और जटिल शारीरिक समूह योजना देखते ही बनती है। Takota, 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 takota,
गोटीपुआ नृत्य के दौरान गाए जाने वाले अधिकांश गीत उड़ीसा के वैष्णव कवियों द्वारा लिखे गए हैं। इस नृत्य से आधुनिक ओडिसी नृत्य शैली का उदय हुआ। ओडिसी नृत्य शैली से मिलती जुलती होने के बावजूद इस नृत्य की तकनीक, वस्त्र सज्जा और प्रस्तुति हर प्रकार से ओडिसी शैली से भिन्न है। इस नृत्य में शरीर का लचीलापन होना आवश्यक है, इसलिए किशोरावस्था तक के बच्चे ही इस नृत्य को कर पाते हैं, क्योंकि उनका शरीर इस उम्र में अधिक लचीला होता है। युवावस्था होने पर ये बच्चे ओडिसी नृत्य को अपना लेते हैं और इनमें से ही कुछ बच्चे गुरु बनकर इस नृत्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। Bye.